नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल से भारत में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अपने घर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अनुपात समानुपात का, और उसका एक टॉपिक लिया है आज हमने सिक्कों वाला, सिक्कों पे आधारित प्रश्न वाला। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैप्टर पहले सवालों को करने से पहले कुछ बातों पे चर्चा हो जाए तो अच्छी बात होगी, यानी कि जो बेसिक बातें हैं, पहले बेसिक बातें हमें पता हो तब हम सवाल को जल्दी कर सकते हैं, यानी कि हम सवाल जल्दी हो जाएगा लेकिन कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करूंगा। पहले बात करता हूं रुपयों की, यहां इसमें आएगा एक वर्ड आएगा मूल्य, क्या मूल्य, और एक आएगा संख्या। ठीक है, यानी सिक्कों का मूल्य और सिक्कों की संख्या। मान जब मूल्य कहते हैं रेट, यानी कि कितने का सिक्का है। जैसे कि मैं कह दूं एक रुपए का सिक्का है, कितने का, एक का, और सिक्कों की संख्या दो है, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया पैसा, यानी कि हमके एक रुपए का है, रुपए एक का, और दो सिक्के हैं तो कितने हो गए, दो रुपए। ऐसे ही थोड़ा आगे चलो, हमारे पास पांच रुपए के सिक्के हैं, कितने, पांच, तो कितने रुपए हो गए, पांच रुपए के पांच सिक्के, यानी कि पच्चीस रुपए। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर आपके पास दस 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 रुपए के सिक्के हैं कुछ, ठीक है दोस्तों, दस दस रुपए के कुछ सिक्के हैं, और मैं कह रहा हूं आठ सिक्के हैं, तो कितने हो गए आपके पास पैसे, आपके पास पैसे हो गए अस्सी रुपए। ठीक है, यहां तक तो पता होगा आपको। ऐसे ही थोड़ा आगे बात कर लेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन में एग्जाम में यही तक आता है, ये तो रुपये वाला सिस्टम हो गया। अब बात करता हूं दोस्तों मैं पैसों पे, जहां से क्वेश्चन बनता है। पैसों का मतलब हो गया, यानी कि हमारे पास पैसे कितने कितने होते हैं, एक होता है पचास पैसे का सिक्का, ठीक है, पचास पैसे के सिक्के, एक होता है पच्चीस पैसे के सिक्के, आगे होता है शायद दस पैसे के सिक्के, एक पांच पैसे के सिक्के। बस यही तक चर्चा करेंगे हम, क्योंकि एग्जाम में यही तक पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपके पास पचास पचास पैसे के सिक्के हैं, तो पहली बात तो यह है कि आपको एक वैल्यू निकालने के लिए कम से कम दो सिक्के, कम से कम दो सिक्के होने चाहिए आपके पास, यानी कि पचास पैसे के दो सिक्के होंगे तब आपका एक रुपया बनेगा, एक रुपया बनेगा। अब आपके पास पचास पैसे के, अगर मैं कह रहा हूं पचास ही सिक्के हैं, पचास पैसे के पचास सिक्के हैं, तो जब दो सिक्कों से एक रुपया बनेगा, तो पचास सिक्कों से कितना बनेगा, पचास सिक्कों से बन जाएगा, यानी कि पच्चीस रुपये आपके बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ऐसे में यहां बात करता हूं, पच्चीस पैसे के अगर हमें एक रुपया बनाना है, तो कम से कम हमें चाहिए चार सिक्के, भाई पच्चीस पैसे, पच्चीस पैसे पचास पैसे, और फिर पचास दूनी सौ पैसे। और एक बात यह है कि सौ पैसों का ही क्या बनता है, सौ पैसे बराबर होता है एक रुपया, ये तो पता होगा सबको, यही है। तो पच्चीस पैसे के अगर हमारे पास चार सिक्के हों, तब हमारे पास एक रुपये की वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास 400 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो कितने बन जाएंगे, भाई चार का मतलब हमारे पास चार सिक्के तो एक रुपया, 400 सिक्के हैं तो कितने, सौ रुपए। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर हमारे पास 10 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, यानी 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो भाई 10 पैसे के सिक्के हैं, 100 पैसे, यानी कि हमारे पास 10 सिक्के हैं, तो कितना रुपया हो गया, कम से कम एक रुपया। ठीक, हमारे पास दस दस पैसे के दस सिक्के हैं, तो कितने हो गए, एक रुपया। हुआ क्या कि दस पैसे गुणा संख्या कितना, सौ पैसे हो गए, सौ पैसे बनता क्या है, एक रुपया हो गया। अगर आपके पास पांच पैसे के सिक्के हैं, तो आपको एक रुपया बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत होगी, कम से कम बीस की, तब आपका एक रुपया बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी थोड़ी बेसिक जानकारी, समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये थी थोड़ी
बेसिक जानकारी। अब बात करेंगे हम सवालों पे। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं सवाल की। एक सवाल लिया है मैंने, जिसमें पूछा गया है कि कोई थैला है, उसमें एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जो सिक्कों का अनुपात है वो है 5:6:8 के अनुपात में है, और जो कुल वैल्यू है यानी कुल राशि है 240 रुपए है। तो उसने पूछा 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। ठीक दोस्तों, तो हमने क्या सीखा था, हमने टेबल बनाना सीखा था। क्या टेबल बनाना, हमारे पास थे कितने, 1 रुपए के सिक्के, कितने रुपए 1 के सिक्के, रुपए 50 पैसे के सिक्के, और ये होगा 25 पैसे के सिक्के। तीन टाइप के हमारे पास सिक्के हैं। ये क्या है, ये तो मान है, एक थी यानी कि अनुपात, क्या अनुपात, अनुपात कह लो या कह लें हम इसे संख्या, यानी कि किसकी, सिक्कों की संख्या। तो संख्या का अनुपात कितना है, 1 रुपए के 5 के अनुपात में, 6 के अनुपात में और ये 8 के अनुपात में। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यानी 1 रुपए के जो सिक्के 1 और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, वो है 5 के अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में। और यही अब हम माना अगर कह रहे हैं कि मूल्य, उनका मूल्य निकालें अपने हिसाब से, तो उनका मूल्य आएगा, सबसे पहली बात 25 पैसे के सिक्के हमेशा दोस्तों 4 के गुणन में होने चाहिए। क्यों कि 1 रुपया, कम से कम 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के होने चाहिए हमारे पास, है 4 के गुणज में है, तो हमें कोई इस बात की वो नहीं होगी। अगर यहाँ पे 4 के गुणज में नहीं है, यानी कि अगर यहाँ वो 6 हो, तो हम क्या करेंगे, 6 में 2 का गुणा कर देंगे, 12 कर लेंगे, वो जो क्या होता है वो 4 का गुणज होता है। ठीक है, तो कितना, 1 के 5 सिक्के हैं, तो कितने हो गए 5 रुपए। ठीक है, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, यानी कि कितने, 3 रुपए, क्योंकि 1 सिक्के के लिए चाहिए 1 रुपए के, चलिए 2 पैसे। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, कितने, 4 सिक्कों पे 1 रुपया, 2 8 सिक्कों पे 2 रुपए। ठीक है, कितना हो गया, 2 रुपए हो गए ना। अब क्या है, हमारे हिसाब से मूल्य कितना बना, 2, 3 और 5 कितना, 10 रुपए बना हमारे हिसाब से। ये क्या है, ये है आनुपातिक मान। क्या है, आनुपातिक मान हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से कितना है, 240। ठीक है दोस्तों, हमारे हिसाब से 10 रुपए बने, उसके हिसाब से 240, यानी कि 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, 24। कितनी, 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, 24। तो यहां कितने हो जाएंगे भाई, 24 दूनी 48 हो जाएंगे ना। अब हमसे पूछा कि 25 पैसे को सिक्के, तो हम इन्हें छोड़ देंगे, इन पे चर्चा करते हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के, कितने रुपए बन रहे, 48 रुपए। 48 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के सिक्के कितने चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, 1 रुपए बनाने के लिए 4 सिक्के, तो 48 रुपए बनाने के लिए 4 × 48, तो कितना भाई, 48 × 96 और 96 × 192। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। एक सवाल और लिया है कि कोई व्यक्ति है, उसके पास 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के कुछ सिक्के हैं, सिक्कों की समान संख्या यानी कि सिक्के समान अनुपात में हैं, और कुल राशि यानी कि कुल वैल्यू है उसकी 640। तो उसने पूछा कुल कितने सिक्के हैं। दोस्तों इसके कई तरीके हैं, पहले तो जो बेसिक है उसके बारे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं 1 रुपए के 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, सारे कोई आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जब आप, उसने कहा है समान अनुपात में है, तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं मैं 4 ले रहा हूं, यहां भी 4, कोई दिक्कत नहीं। कितना, अगर मेरे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, कितने के, 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो मेरे पास 4 की वैल्यू हो गई। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो कितना भाई, 5 × 20 हो गए, 5 × 20 हो गए ना हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 20 रुपए ही हो गए। 10 रुपए के 4 सिक्के हैं, कितना, 40 रुपए हो गए। ये हो गई हमारी संख्या। अब कितना इकट्ठा कर लिया हमने भाई, 40 ये 20 ये 4 ये, कितने, 64 हो गए ना हमारे हिसाब से, 64, उसके हिसाब से 640। ये थी यानी कि
कितना 10 यार के 0 0 और बढ़नी चाहिए, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0 बढ़नी चाहिए। तो 10 रुपए के 400 रुपए कब बनेंगे, जब हमारे पास 40 सिक्के होंगे। 5 रुपए के 200 रुपए, 200 रुपए कब बनेंगे, जब हमारे पास 40 सिक्के होंगे। 1 रुपए के 40 रुपए कब बनेंगे, जब 40 सिक्के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितने अब सिक्कों की संख्या की बात करते हैं, तो 40 40 और 40, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, 40 40 40। उसने पूछा कुल सिक्के, तो 40 ये 40 ये 40 ये कितने, 120। ये तो रहा दोस्तों अपना एक, ये भी है कि आप इसे ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन देख के भी पहचान सकते हैं, जो मैं यहां बात कर रहा हूं। देखो हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 5 रुपए के, 3 प्रकार, और सब समान है, यानी कि सभी जो सिक्के समान है, तो प्रत्येक का समान अनुपात होगा, तो जो सिक्का है वो 3 के गुणज में होगा, 3 के गुणज में होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, ये 4 यानी कि मैं कहूं कि ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो कितना 3 के गुणज में होगा। अब मैं यहां जब समान है भाई, 150 को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, 50 150 बांट सकते हैं, 120 को 40 में बांट सकते हैं, 100 को कभी नहीं मार सकते, और 90 को मार सकते 30। ऐसे करके आप ऑप्शन भी एक इसमें तो काटने को नहीं मिलेगी, ऑप्शन भी काटे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब एक वैल्यू रख के देख लीजिए भाई, 1 के 50, ठीक है, 5 के 50 हो तो 50 25 250 रुपए, ये 300 रुपए हो गए, और कितने 50 इसके हो तो 500 तो इसके ही हो गए, 500 600 तो पहुंचेंगे नहीं, तो ये तो ज्यादा हो जाएंगे, दूसरे पे ट्राई कर सकते हैं। ऐसे करके इन क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं, इसमें थोड़ा सवाल थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, जिनकी कुल संख्या, अब यहाँ सिक्कों की संख्या दे रखी है 175, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, अब यहाँ अनुपात बराबर नहीं है, मूल्य बराबर है, और सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है 175। अब उसने पूछा है कि सिक्कों की कुल संख्या यानी कि कितनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं इसे समझाऊं आपको, तो ये होगा कि हमारे पास 1 रुपए के 1 के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, समझ में आ रही है, और इनकी जो मूल्य, इनकी जो संख्या हमें पता नहीं है, क्या है संख्या हमें पता नहीं है, इसकी एक्स हो सकती है, इसकी वाई हो सकती है, इसकी जेड हो सकती है, लेकिन जो मूल्य है, इसे कहते हैं मूल्य यानी मान, मूल्य जो वैल्यू है वो समान है, क्या है समान है। ठीक है, और कुल संख्या कितनी दे रखी है, कुल संख्या दे रखी है, यानी कुल संख्या दे रखी है आपको 175 सिक्कों की, किसकी, सिक्कों की संख्या 175 है। तो उसने पूछा सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, यानी सिक्के कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, तो यहां देख बात करते हैं, देखो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे समान मूल्य आ जाए, तो हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू एक आनी चाहिए, तो वैल्यू कैसे एक आएगी, वैल्यू एक आएगी, जैसे 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपया बन जाएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के तो 1 रुपया बन जाएगा, 1 रुपए के 1 सिक्का हो तो 1 रुपया बन जाएगा। तो सबसे छोटा मान हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, अपने हिसाब से कि 4 सिक्के हो, 2 सिक्के हो कम से कम, और 1 सिक्का हो कम से कम, तभी तो 1 रुपया बनेगा। 1 रुपए का 1 सिक्का है, कितने कितने रुपए बन गए, ये बन गए हमारे कितने, 1 रुपए का 1 सिक्का यानी कि 1 रुपया, 50 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपया, 25 पैसे के कितने 4 सिक्के, ठीक है, तो कितना 1 रुपया। अब बना कितना, जो मान दे रखा है कितना है, बन गया प्रत्येक जो समान वैल्यू हो गई, और हमारे हिसाब से सिक्के कितने लिए हमने, सिक्के लिए थे ये 1 2 3 और 4 7, सिक्कों की संख्या हमारे हिसाब से कितनी थी 7, उसके हिसाब से 175। ठीक है दोस्तों, तो कितना 7 2 ये आनुपातिक मान है, वास्तविक मान 7 2 14 और 7 5 35, यानी कि जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में है, 25 के अनुपात में, 25 पैसे के कितने हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं कहूं 25 पैसे के कितने बनेंगे,
भाई 25 पैसे कब बनेंगे, 25 पैसे कब बनेंगे, जब सिक्के हों कितने 100, जब हमारे पास 100 सिक्के होंगे तब 25 रुपए बनेंगे, ठीक है। अब 25 रुपए के 50 रुपए कितने बनेंगे, जब हमारे पास 50 सिक्के हों, ठीक है। 1 रुपए के 25 पैसे कितने बनेंगे, जब हमारे पास 25 ही सिक्के हों, तो सबके हम देखते हैं 100, 50, 150 और 175, ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों एक ये थोड़ा और अलग क्वेश्चन था, यानी कि हमने 3-4 क्वेश्चन करा दिए, सारे अलग अलग हैं, सारों में अलग अलग चीज पूछी गई है, तो एक इसमें भी अलग कॉन्सेप्ट दिखा मुझे, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिया है। दोस्तों यहाँ दिया है कि एक बॉक्स में कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के, ठीक है, और 50 पैसे के सिक्के, ठीक है, और ये 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और जो कुल सिक्के हैं, अब यहाँ कुल सिक्के दिए हैं, कुल सिक्के, यहाँ साइड में कर लू से, कुल सिक्के, ठीक है दोस्तों, कुल सिक्के दिए हैं 280, और जो उनका मान दिया है, जो उनको मूल्य दिया है, अब हम बात करें सिक्कों की संख्या है, ये है मूल्य, मूल्य दिया है, अब की बार मूल्य बराबर दिया है, कितना मूल्य का अनुपात दिया है, ये 8:4:3 के अनुपात में, और हमसे पूछिए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो क्या कर सकते दोस्तों, वही है कि हमें पता कॉन्सेप्ट क्या है भाई, 25 पैसे के 3 रुपए कब बनेंगे, हमने अनुपातिक वास्तविक मान लिया, हम क्या करते क्या है कि अनुपातिक को वास्तविक मान लेते हैं, हमने मान लिया कि 3 रुपए है, तो 25 पैसे के 3 रुपए बनेंगे कब, जब बनेंगे, जब हमारे पास कम से कम 12 सिक्के हों, सुने भाई, 1 रुपए बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए, तो 3 रुपए बनाने के लिए 12 सिक्के चाहिए, तो हमने मान लिया वो 12 सिक्के हैं, ठीक है दोस्तों। 50 पैसे के 4 रुपए कब बनेंगे, जब हमारे पास 8 सिक्के हों, यानी कि 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 4 रुपए कैसे बनेंगे, 8 सिक्के होंगे, 1 रुपए हमें 8 बनाने, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 8 का 8 ही रह जाएगा, ठीक है। सबसे कंफ्यूजन इनमें होती है, तो यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाने की जरूरत होती है। 50 पैसे के 4 रुपए बनाने हमें तो 8 सिक्के चाहिए, 25 पैसे के 3 रुपए बनाने कितने 12 सिक्के चाहिए, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास सिक्के कितने हो गए, 8 × 16 = 12, ये हो गए 18 और 28, तो हमने देखा कि कुल वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम इसे जोड़ दें, ये हमने ये संख्या ध्यान दी, ठीक है, कितना 8 + 8 + 12 कितने हो गए 28, यानी कि हमने देखा कि हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास 28 सिक्के हो रहे हैं, हमारे पास 28 सिक्के हो रहे हैं, लेकिन उसने दिया है 280 सिक्के, ये तो दे रहा था उन्होंने 280 सिक्के, तो हम क्या करेंगे, हमारे हिसाब से 28 थे, उसके हिसाब से 280, तो एक की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, कितनी, एक की वैल्यू 10, तो 10 का मतलब क्या है, सब पे 0-0 बढ़ाते चलना है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके, 80, ठीक है दोस्तों, समझ में आए कि नहीं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।